नमस्कार। साक्षरता पत्रिका के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे मुंबई में स्थित जन शिक्षण संस्थानों से कामयाब हुए व्यक्तियों की, जो आज अपनी रोजगार खुद कमा रहे हैं, या तो उन्होंने अपना काम धंधा खुद शुरू किया है, या वो कहीं पर रोजगार पा रहे हैं। मुंबई में स्थित वर्ली जन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर श्री सावंत जी का स्वागत है। सावंत जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जन शिक्षण संस्थान कब स्थापित हुआ था? ये जन शिक्षण संस्थान 1967 साल में स्थापित हुआ यूनेस्को के सहकार्य से। और इसमें आपके पास तब कितने कोर्सेज थे? शुरू शुरू में तो 22 कोर्सेज चल रहे थे, मगर अभी हर महीने 55 कोर्स चलते हैं। और कितने लोग साल में तकरीबन पास करके जाते हैं? तकरीबन 4,000 से 5,000 तक स्टूडेंट यहाँ सीख के बाहर गिरते हैं। और कितने कोर्सेज हैं? और यहाँ पे आजकल कितने कोर्सेज चल रहे हैं? 55 कोर्सेज हर महीने चलते हैं। जो लोग यहाँ से कोर्सेज करके जाते हैं, तकरीबन सबको रोजगार मिल जाता है? हाँ, तकरीबन नहीं, मगर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाते हैं या खुद का बिजनेस चालू करते हैं। संस्थान को चलाने के लिए खर्चा कहाँ से आता है? इस संस्थान को खर्चा चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें ग्रांट मिलती है। वर्ली स्थित हमारी संस्था को नेशनल लिटरेसी इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड मिला हुआ है लास्ट ईयर। अरुणा जी, क्या आप यहाँ फीस लेते हैं इन लोगों से? हाँ मैडम, फीस तो लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आते हैं सीखने के लिए, उनको खुद को भी इंटरेस्ट होना मांगता है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वो पूरा करने के लिए। ऐसा तो थोड़ा हम कुछ देंगे उधर तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा, इसके लिए हम थोड़ा बहुत तो नॉमिनल फीस तो लेते हैं। लेकिन यहाँ ये मुंबई में इतना कम फीस तो कहाँ पे लेते नहीं है, क्योंकि अभी एक एग्जांपल देती हूँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का बाहर तो 5-6 हज़ार का कोर्स में सिखाते हैं, 5-6 हज़ार में कोर्स सिखाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे खाली 550 में कोर्स सिखाया जाता है। मतलब कि बहुत बहुत ही कम फीस आप लेते हैं, नॉमिनल चार्जेस। हाँ मैडम। अच्छा, और इसका रजिस्ट्रेशन कि काफ़ी लाइन लगी रहती है या काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? बहुत सारे कोर्सेज में हमारा वेटिंग लिस्ट ही रहता है, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पे सिखाया जाता है, फीस कम हो तो भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा सिखाया जाता है। इसके लिए वेटिंग लिस्ट रहती है सब कोर्सेज के लिए। चौगले साहब, ये बताइए कि अभी आप फ्यूचर में कोई नए नए और कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए कोर्स? हाँ, शुरू करना तो चाहते हैं। अभी यहाँ आने वाले स्टूडेंट की डिमांड भी है और ऐसे आज की समय की ज़रूरत भी है, जैसे कि कोर्सेस ऑटो रिक्शा मेंटेनेंस, प्लम्बिंग, टीवी रिपेयर्स, देन हार्डवेयर कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस हम चलाना शुरू करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं आज कुछ ऐसे ही लोगों से जो आज जन शिक्षण संस्थान के इन कोर्सेज को करने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं और रोजगार पा सके हैं या खुद का व्यवसाय खोल सके हैं, जिससे कि उनका जीवन सफल हो गया है। मैंने जन शिक्षण संस्थान वर्ली से टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया था एक साल पहले। तो बाद में मैं वो सीखने के बाद अभी खुद के डिज़ाइंस बेचती हूँ सूरत में, और वहाँ से मुझे करीबन 1,500-2,000 मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने जन शिक्षण संस्थान वर्ली से मैंने फैब्रिक पेंटिंग और फ्लावर्स मेकिंग अभी सीख रही हूँ, और मैं अभी घर में भी मैं डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट किया है, फिर घर में भी, और मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, अपने टेक्सटाइल डिज़ाइन की भी क्लास चालू की है। बाद में मैं उनको, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं खुद काम भी देती हूँ, इससे मुझे 1,500-2,000 मिल जाते हैं और क्लासेस भी चलाती हूँ। संस्थान वर्ली में टीचर हूँ। यहाँ पर मैं ब्यूटिशियन, फ्लावर मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज और ग्लास पेंटिंग ये क्लास लेती हूँ, और 50-60 स्टूडेंट हर महीने में सिखाती हूँ।
मेरा नाम है रोहिणी सुनील तांडे। जन शिक्षण संस्थान वर्ली से मैंने स्क्रीन पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग और अगरबत्ती का कोर्स किया है। मैं जैसे शादी का सीजन होता है तो फोटोग्राफी कर लेता हूँ, जब दिवाली का सीजन होता है तो ग्रीटिंग के लिए स्क्रीन पेंटिंग कर लेता हूँ, जब गणपति आता है तभी अगरबत्ती कर लेता हूँ, ऐसे कोर्स हर महीने तक 4,500 तक आयु हो जाती है। दोस्तों को किसी को बताते हैं ये कोर्स करने? मेरे बहुत से दोस्त आके सीख गए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इधर ही सबको भेजता हूँ कि अच्छे से अच्छे सीखते हैं और फी भी ज़्यादा कम रहती है। मनीष एक खुश मिजाज लड़का है जो बचपन से ही अनाथ है। वह एक अनाथ आश्रम में रहता था और उसने जन शिक्षण संस्थान से बार्बर का कोर्स किया। उसके लिए उससे फीस भी नहीं चार्ज की गई। यह कोर्स करने के पश्चात आज उसने अपनी दुकान लगा रखी है और वह 700 रुपये महीना तक कमा लेता है। काम के साथ साथ मनीष पढ़ना भी चाहता था, इसलिए उसने साक्षरता की क्लासेस ज्वाइन की और आज वह पढ़ लिख भी रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और इस काम में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं जन शिक्षण संस्थान वर्ली का एक स्टूडेंट हूँ। मैं 9 साल पहले इधर कोर्स किया था, अभी इधर लेक्चरर के एज अ लेक्चरर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर रहा हूँ और मेरा इनकम अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार है। महीने का इनकम 10 से 12 हज़ार है। हमारे 3 लेक्चर रूम्स है और हर दिन 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 स्टूडेंट यहाँ का कोर्स दिया। 3 भाग में डिवाइड किया है। नॉर्मली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अप्लाइड कंप्यूटर आर्ट एंड एमएस ऑफिस। मेरा नाम जितेंद्र घनश्याम जोशी है। मैंने जन शिक्षण संस्थान वरली यहाँ से ये कोर्स पूरा किया है। 4-व्हीलर और ऑटो इलेक्ट्रिशियन ये कोर्स दोनों पूरे किए हैं। इसके साथ मैंने 11वीं पास की है, अब मैं 12वीं में हूँ। मैं दिन भर गैरेज में काम करता हूँ, बाद में शाम को यहाँ पे कोर्स के लिए आता हूँ ATM की परीक्षा के लिए। वहाँ से मैं सर के साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल करता हूँ और सर मुझे इसके लिए बहुत प्रोत्साहन करते हैं और मुझे गैरेज में 1,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। Thank you.
आपको इलेक्ट्रिशियन का कोर्स सिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट लोग हैं उनको कम फीस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे सिखाया जाए, या गाड़ी पे जो महंगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है वो कैसे बताए जाए, यहाँ पे हमारे तरफ से जितना हो सके उतना हम प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं। मेरा नाम बाबू मेघजी लालाई है। मैंने 1984 में जन शिक्षण संस्थान वर्ली से कोर्स किया था। उसके बाद मैं तकरीबन आज 15 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 10 से 11 एम्प्लॉयज़ हैं और अराउंड 10-12,000 रुपीज़ पर मंथ मैं इनकम कर लेता हूँ। मेरा नाम बाबली माड़ी है। मैं JSS में वर्ली में कोर्स करके अभी इधर बाबू भाई के वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ। मेरा तनख्वाह 1000। मैं रिप्रेजेंटेशन का कोर्स किया है। Entire tank can be opened. Achha, yeah. Entire machine. And down we are going to keep the. This I am giving to one samstha as a donation. This is a water cooler. Washi में एक आत्मा संस्था है, उनको हम लोग donate कर रहे हैं। इसको हम लोग ने ऐसा system किया है। कमर्शियली बना के बेचने का इरादा है? हाँ, बनाता हूँ मैं। कमर्शियल बना के भी बेचता हूँ। ये तो मैंने एक इंस्पिरेशन का मतलब एक संस्था है, उनको मैं डोनेट कर रहा हूँ। तकरीबन 10 से 11 जो छोकरे लोग हैं अभी मेरे पास, उनमें से भी 5-6 छोकरे लोगों ने वहाँ से ही कोर्स करवाया मैंने, और वहाँ से काफी अच्छा उनको अभी भी नॉलेज मिला है एंड दे आर वेरी हैप्पी। वर्ली के जन शिक्षण संस्था में सीखा है। तब 2 साल का ये था कोर्स, था 23 साल पहले ये कोर्स किया है मैंने, और तब से नॉन स्टॉप ये काम चालू है मेरा। हमारा अभी सेल्स टैक्स नंबर लिया है हमने, इनकम टैक्स रेगुलरली भरते हैं, हमारे अकाउंटेंट है। पहले तो हमने एग्जीबिशन में अलग अलग हिस्सा लिया था, और तब लोगों को मालूम हुआ कि इधर ये बनता है, इधर बेचते हैं, तो अभी सब लोगों को मालूम है तो इधर भी आ जाते, रेगुलर शॉप से रखा हो गया है ये। अभी तो हमने शॉप एक्ट लाइसेंस भी ले लिया है इधर, तो अभी अच्छी तरह से ये काम कर सकते हैं। सब हेल्प करते हैं। मेरी बड़ी बेटी अभी, उसकी शादी हो गई है, वो भी अभी दूसरे नंबर की इंजीनियरिंग के लिए, वो भी मेरा बेटा, मेरे मिस्टर, सब साथ में काम करते हैं हम लोग। कहाँ से लाते हैं आप रॉ मटेरियल? ये तो मदनपुरा, डोंगरी, पायधुनी और श्रम, मतलब ये जन सेवा शिक्षण की इतनी ये खासियत है कि सब कुछ पूरा बता देते हैं कि किधर क्या मिलता है, किधर क्या मिलता है, तो बहुत अच्छी तरह से हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स लोगों को। कोई लोन लिया था आपने या ऐसे? लोन तो अभी भी लिया है बैंक से, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक जो है उधर से, मतलब वो लोग इधर आए थे कि मैडम ये आप काम करते हैं तो हमारे से लोन लेंगे तो अच्छा है। कितना लोन लिया? हमने 1.5 लाख का लोन लिया है। तो उसका और चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उनका। जब ये 25 ईयर्स कम्प्लीट हो गया ये ब्रांच को, तो हमारा मान्यवर खातेदार करके हम सत्कार भी किया था उन्होंने कि ये लोग रेगुलरली पेमेंट वगैरह सब कुछ करते हैं, कुछ भी हमको दिक्कत नहीं है इसमें। अभी आप खूब खुश है सब? एकदम खुश। पूरा परिवार है? बहुत अच्छी तरह से टाइम गुजर जाता है, 4 लोगों की पहचान हो जाती है, अच्छी पहचान। तो डिजाइन कहाँ से लाती हूँ? डिजाइन तो कोई कोई लाके भी बताता है। अभी इसमें जो पॉकेट है अंदर, वो एक ने उनकी फॉरेन की बैग लाके बताया कि देखो मैडम ऐसा बैग बनाते हैं आप, तो इसमें एक पॉकेट भी ऐसा लग सकता है। मैं बोली बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सेफ हो गया एकदम, कपड़े रखने के बाद वो पॉकेट है ये मालूम भी नहीं होता है।
तो वैसे बना लेते हैं, मार्केट हमेशा ढूंढते हैं हम लोग, जिसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और वैसे आप अपना इमेजिनेशन से भी शेप बनाते हो? मेरे पास किताब आते हैं रेगुलरली, तो उसमें से देख के भी, एक बेसिक आइडिया होने के कारण कुछ दिक्कत नहीं है बनाने में। अभी जो भी अपने को अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। कारीगर है? हाँ। कितना? 12-13 लोग हैं। उनको कितना तनख्वाह देते हो? ऐसा तो इसके पीस के ऊपर है, जैसा काम करेंगे उसके ऊपर उनको मिलता है। तो भी एवरेज महीने का कितना हो जाता है? तो भी 4,500-5,000 तक मिल जाता है। प्रभाकर घाटगे, और मैं 1982 में वर्ली जनसंस्थान संस्थान में मैंने वर्ली में ये गाड़ी का कोर्स किया था। एक कोर्स होने के बाद में फिर ये डायरेक्ट मैंने काम एक जगह पे सर्विस किया थोड़ा दिन, और फिर मैंने खुद का अपना ये दुकान डाला है। तो कितना अभी आपको अच्छा कितना आमदनी हो जाता है महीने का? एक 6-7 हज़ार का एवरेज से हम लोग मिल जाता है अपने को इसमें महीने का। मुंबई के ही एक दूसरे जन शिक्षण संस्थान जो धारावी में स्थापित है, वहाँ भी अनेक प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे टाइपिंग का कोर्स। यह कोर्स युवक युवतियाँ बड़े चाव से सीखते हैं, जिससे उन्हें दफ्तरों में रोज़गार मिलने में बेहद आसानी हो जाती है। यहाँ एक और लोकप्रिय कोर्स वो है बिजली के काम सीखने का कोर्स, जिसे युवक बहुत ही रुचि से सीखते हैं, क्योंकि यह काम सीख लेने के बाद उन्हें रोज़गार पाने में बेहद आसानी हो जाती है, या वह स्वयं का रोज़गार बना लेते हैं। धारावी जन शिक्षण संस्था से मैंने कोर्स किया हूँ वायरमैन का, मैंने कोर्स किया हूँ। धारावी में ही बालवाड़ी ट्रेनिंग कोर्स किया था, और धारावी के बालवाड़ी में मैं अभी पढ़ाती हूँ। अभी 2000 मिलते हैं। और ये देखो, ये कैसे जा रहे हैं, और ये ऐसे फुटबॉल खेल रहे हैं, देखो कैसे। और ये क्या, इसके हाथ में क्या है? हाँ, बैग। और ये लड़का कहाँ जा रहे हैं बताओ? स्कूल जा रहे हैं ना। बालक बिचारे लहान असतात, त्यांना ही काही गुन्हेगार असतात। मैं हंडूप में रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ा 9th में छोड़ने के बाद, फिर कुछ करने के लिए मैं जन शिक्षण संस्था में एडमिशन लिया। तो फिलहाल मैं प्लम्बिंग का कोर्स कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे कहीं पे जॉब मिल जाएगा।
शिक्षण संस्थान में, और यहाँ पर आने के बाद में मुझे प्लम्बिंग कोर्स के बारे में जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल लाइन है, मुझे वो मैं यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ी। ऐसे तो मैं थोड़ा बहुत हम लोग पहले भी जानते थे कि प्लम्बर काम किस तरह होता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में प्रैक्टिकल किया और हमें मालूम पड़ा कि एक्चुअली प्लम्बर किसे कहते हैं। और अभी हाँ कमा लेते हैं, 2000-3000 मिल जाता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं तो छोटा मोटा कमा लेते हैं। मेरा नाम नासिर बेग है और मैं पहले स्टूडेंट था, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लम्बिंग कोर्स किया। प्लम्बिंग कोर्स करने के बाद में सर्टिफिकेट लेने के बाद में मैं डायरेक्ट आर्किटेक्ट के थ्रू काम लेना चालू किया और अभी मैं खुद का अपना कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। और यहाँ पे आने से मुझे सब कुछ मालूम पड़ा कि कौन कौन से पाइप है, क्या क्या फिटिंग्स है मार्केट में अवेलेबल है, और मैंने कहा 20-25,000 कमा लेता हूँ। खेमकर जी जो यहाँ के आर्टिस्ट कम प्रोजेक्शनिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि अवेयरनेस का प्रोग्राम वो कैसे लोगों तक लेके जाते हैं। खेमकर जी ये बताइए कि जितने भी आपके कोर्सेज चलते हैं इसके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? एक कोर्सेज के बारे में पता लगाने के लिए हम लोग अलग अलग संस्थाएं से बातचीत करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस है, बड़े बड़े संस्था है, विद्यापीठ से जो स्लम बड़ा बड़ा स्लम एरियाज़ है उनके साथ बातचीत करके विद्यापीठ के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानकारी उनको देते हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेस है वो निम्न आय के लोगों के लिए है, बच्चों लोगों के लिए है, इसलिए उन तक जाके उनको कोर्स के बारे में, विद्यापीठ के बारे में जानकारी देने चाहते हैं। तो आपका प्रोग्राम सफल है? सफल हो जाता है और सफल होता ही है। थैंक यू, आज का ये मुंबई वर्ली का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।